कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार के फैसले के बाद अब शिमला जिला प्रशासन ने भी नई बंदिशें लगाई हैं। इसके तहत हिमाचल से बाहर आवाजाही के लिए कोविड ई पास अनिवार्य होगा। इसके लिए कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शिमला जिले के भीतर और प्रदेश के अन्य जिलों के बीच आवाजाही के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल में एक बार फिर बंदिशें शुरू हो गई है। प्रदेश में आने वालों को भी अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा, तो वहीं प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई पास बनवाना होगा। इस बारे में डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना हॉटस्पॉट राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि राज्य में प्रवेश के समय 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और दूसरी डोज लेने पर 14 दिन का समय हो गया है, उन्हें भी इसमें छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। शिमला में जो है आज रात से नई बंदिशें लगने वाली हैं। जो नई बंदिशें हैं उसमें सबसे पहले ये है कि जो भी हिमाचल से बाहर जाएंगे उनको जो है इस पे कोविड ई पास पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और वापस आते टाइम जो है वो इंटरस्टेट बैरियर्स पे उसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, ये 7 स्टेट्स हैं जिनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, जो भी कोई लोग 7 हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उनको जो है एक तो पास तो लेना ही पड़ेगा उन्हें, उसके अलावा जो है उनको 14 दिन का जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा उनको। ऐसे लोग जो है अगर वो चाहते हैं कि वो क्वारंटाइन ना हो तो उनके पास जो है 72 घंटे पुरानी जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर वो जैसे 6-7 दिन के बाद जो RT-PCR टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर नेगेटिव आते हैं तो फिर वो होम क्वारंटाइन उनको रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो भी कोई लोग हैं उनके ऊपर जो है पंचायत वगैरह मॉनिटरिंग करेंगी और देखेंगे कि ये लोग जो है होम क्वारंटाइन में रहें, और अगर वो कहीं क्वारंटाइन से बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध जो है फिर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पंचायतों को भी प्राधिकृत कर दिया गया है। जो ऐसे हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उनको जो है उसकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। सख्ती के लिए सरकार अब बाध्य है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी यदि बाहरी लोगों को रोका नहीं जाता है तो प्रदेश में मामलों के बढ़ने का सिलसिला तेजी से बढ़ेगा और फिर स्थिति को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ पाबंदियां तो लागू करनी ही पड़ेगी। वहीं जो लोग स्वास्थ्य, व्यापार या कार्यालय के काम के मकसद से कुछ समय के लिए किसी कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाते हैं और 72 घंटों के भीतर वापस लौट आते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन की छूट रहेगी। यही शर्त कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र से जिले में आने वाले लोगों पर भी लागू रहेगी। वहीं ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन से छूट मिलेगी जो बीते 6 माह के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए और अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। 10 साल से कम आयु के बच्चों को भी क्वारंटीन में छूट रहेगी, बशर्ते उनके साथ आने वालों की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। हमारे बॉर्डर्स पे जो है उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, तो इसी के तहत जो है शिमला में हमारे 2 इंटरस्टेट बॉर्डर्स सेटअप किए जा रहे हैं, एक चौपाल में और एक रोडू में, ये कुड्डू में। तो वो दोनों जगहों से जो लोग एंटर करेंगे उनकी वहाँ पे जो है थर्मल स्कैनिंग वगैरह होगी। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे तो उन्हें आने दिया जाएगा और उनकी और वो जहाँ भी कहीं जा रहे हैं उस सब डिविजन को और डिस्ट्रिक्ट को उसकी इंटीमेशन दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स संबंधित SDM की निगरानी और नियंत्रण में काम करेगी। नए नियमों की अनुपालना के लिए अंतरराज्यीय बैरियर कुड्डू, रोडू, फेडीज पुल, चौपाल में आने जाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। मौके पर ई पास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नए दिशा निर्देश 10 मई तक लागू रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।